क्या कर रहा है? हर फोन चला रहा हूँ, वीडियो देख रहा। टाइम तू फोन में लगा रहता है। मैं कुछ बात कर रही हूँ, हर हाँ, टाइम जब देखो वीडियो देखता रहता है। और कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास? तो और कुछ काम क्या है, रील तो देख रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ले कर। मुझे तो लगता नहीं है कि तू पूरे दिन पढ़ाई करता होगा। चल तुझे घुमा के लाऊं। अरे नहीं, जाओ तुम ही घूमो जाके। मैंने कहा ना कि चल तुझे घुमा के लेके आऊं। अरे तुम ही घूमो जाके, मैं क्या करूंगा। क्या करते हैं? तू तो लड़कियों से भी बेहतर है, हर वक्त घर में पड़ा रहता है। ये नहीं बाहर भी घूम लेकर थोड़ा बहुत। बाहर जाके क्या करूंगा मैं। क्या करेगा बाहर जाके? बाहर जाके अच्छी अच्छी चीजें देख। और पता है वहां पे इतना अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, तुझे पता है? बिल्कुल भी क्या पता होगा तुझे, तू तो बाहर ही नहीं जाता। चल मेरे साथ, तुझे खाने की बात कर रहा है ना, तुझे खिला के लाऊंगी आज। कुछ तो खिलाते नहीं हो, ऐसी घुमाने ले जाओगी। आज पक्का खिलाऊंगी, चल तो सही मेरे साथ। चलो ठीक है। दीदी तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो, मुझे कुछ खिला भी नहीं रही, ऐसे बिठार के रखा है मेरे को। तुझे पता है मैं यहाँ पे क्यों लेके आई हूँ? तू पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं घूमने भी नहीं जाता, ना स्कूल जाता है, ना बिल्कुल पढ़ाई करता है। इसलिए मैंने सोचा कि चल तुझे बाहर घुमा के लाऊं। तो कुछ खाने के लिए तो मंगा लो। तो बता तो सही तुझे खाना क्या है? अरे कुछ भी मंगा लो, पिज्जा बर्गर। पिज्जा बर्गर खाएगा और क्या, तुझे पता है उससे पेट में दर्द हो जाता है। अरे खिलाना है तो खिलाओ, तुम तो यहाँ। चल ठीक है, अभी मैं बोलती हूँ। भैया इधर आना, बता दे। भैया चौमिन ले आओ मेरे लिए, कोल्ड ड्रिंक ले आना। अब तो ठीक है? हाँ ठीक है, खा लियो तो पेट भर के। हेलो, कहाँ हो तुम? पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब मेरी शादी में मेरा भाई है, अगर मैं इसे साथ में लेकर नहीं आती तो बड़े पापा मना करते घर जाने के लिए। ठीक है मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, है ना? इसे मैं 4 मिनट देख। चल ठीक है तू बैठ, जब तक 4 मिनट मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मेरा वो एक दोस्त है ना, उससे मिलकर आती हूँ। यही बैठ रही हो? कहीं चाहिए मत। ठीक है यही बैठा हूँ। यार पता नहीं कहाँ रह गई स्वाति भी, अपने भाई को लिया ये। बड़ी लेट करा तुमने तो। मैंने लेट करा है कि तुमने लेट करा है? मैंने आपसे दिन में बोला था और पूरी रात हो ली। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से घर से आई हूँ। चलो कोई बात ना, अब बताओ आगे क्या करना है। क्या करना है? करना तुम्हें, तुम बताओ शादी कब करनी है। अरे यार मैं तो कह तो रहा हूँ, जब मर्जी कर लो, तुम अपने पापा से तो बात करो। मैं बात करूँ? बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी मेरे पापा से। अरे यार मेरे पे नहीं हो पाएंगे तुम्हारे पापा से बात। अगर मुझसे शादी करनी है तो पापा से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। चल तो फिर ऐसे कर, मैं तेरे पापा से बात कर लूंगा, पर मैं तेरे घर आता हूँ, ठीक है? तो अपने पापा से कह दियो अमित घर ही आएगा मिलने के लिए। घर यार नहीं, घर तो ठीक नहीं है, चलो देख लेना। चलो ठीक है मैं घर आता हूँ, ठीक है कल आता हूँ। ठीक है अब मैं ना घर जा रही हूँ, क्योंकि देखो मेरा भाई बैठा है और अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो पापा से कह देगा। ऐसे कर तू घर चली जा, मैं जा रहा हूँ, है ना, कल आता हूँ। ठीक है देखना, बहाना नहीं होना चाहिए। कोई बहाना नहीं होगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा सुबह। सुबह? हाँ ठीक है, और नहीं तो मैं बात करना बंद कर दूंगी अगर तुमने लेट करा तो। अरे ठीक है आ जाऊंगा। जा अपने भैया को जमा के ले जाइए। और बता खा ली चाउमीन तूने? हाँ मैंने खा ली, चलो अब घर चल रहे हैं। चल घर पे आ जा। चलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भैया, कौन? अंकल जी मेरा नाम अमित है जी। वो मैं ये कह रहा था, वो आपकी बेटी स्वाति है ना जी, मैं और वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है? हाँ अंकल जी, वो स्वाति ने बोला था कि तुम मेरे पापा से बात कर लो, उसे तो तुमसे डर लग रहा था बात करते हुए, फिर मैं आपके पास आ गया। अंकल जी
आप मेरी से शादी करा दो। क्या करते हो आप? अंकल जी अभी तो मैं कुछ नहीं करता, पर हाँ मैं एक अच्छी सी जॉब ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे जल्दी मिल जाएगी। स्वाति भी आपको पसंद करती है? जी अंकल जी। चलो मैं स्वाति से बोल लेता हूँ, अगर मेरी बच्ची खुश है तो मैं खुश हूँ, पर इकलौती बेटी है मेरी, थोड़ा ख्याल अच्छे से रखना। अंकल जी आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। चलो मैं अपने बेटी से बात कर लेता हूँ। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। चलो नमस्ते। यार क्या करूं, इतनी जगह इंटरव्यू दे दिए पर कहीं जॉब ही नहीं लग पा रही है। पूरे नोएडा में घूम लिया मैं, अब कहां जाऊं? इतनी जल्दी हो गया ना सब कुछ, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी अम्मी से शादी हो जाएगी। पता नहीं कहां रह गए। अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, हमारी शादी हो गई ना। यार सच में स्वाति, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। बस मैं तो ये चाहता हूँ बस भगवान अब मेरी जॉब लग जाए तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। हाँ क्यों नहीं लगेगी, तुम टेंशन मत लो, जल्दी लग जाएगी। और तुमने तो एक जगह पता करा था, बताया था मुझे। आज जाऊंगा बस वहां पे, देखता हूँ या आज जाऊंगा या कल जाऊंगा। पर मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी शादी होगी। पता है भूतों की शादी नहीं होती, भूत तो प्यार अधमर में ही छूट जाता है भूतों का। तुम सही कह रही स्वाति, हमारे प्यार को कभी नजर ना लगे बस। चलो ठीक है तुम सो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, है ना। नहीं मैं ना घर का काम कर लेती हूँ, तुम जब तक जॉब देखो। चलो ठीक है शाम को आता हूँ फिर मैं। क्या हुआ भाई, किस सोच में बैठा है? अरे कुछ नहीं यार, जॉब नहीं लग रही, बहुत जगह गया जॉब के लिए, जॉब भी नहीं लग पा रही है। अरे लग जाएगी, तू टेंशन क्यों ले रहा है, और वैसे भी अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, इस वजह से थोड़ी अड़चन तो आती है ना। अरे वो तो बात ठीक है, क्या करूँ यार बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एक बार जॉब लग जाती तो ठीक रहता। जॉब भी लग जाएगी। और हाँ सुन, मैं तुझे खुशखबरी देने वाला हूँ। बताओ। मैं मुंबई जा रहा हूँ एक साल के लिए। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है भाई, बनो बड़े आदमी। पर एक बात बताओ, भूल मत जाना मुझे। अरे पागल है क्या, मैं मुंबई में जाके तुझे भूलूंगा क्या? और तू वैसे भी देख मेरे बचपन का दोस्त है और मेरा पक्का साथी है। अरे वो तो हम है ही पक्के साथी। देख लेना तुम, अगर मुंबई में तुम्हारा कुछ काम हो जाए तो वहीं आ जाऊंगा मैं। अरे मैं तुझे वहीं सेलेक्ट करूंगा, एक बार बस मेरे वहाँ पैर टिक जाए अच्छी तरह से। चलो ठीक है चले फिर घर। चल चलते हैं। चलो तो चल। चलो ये तो तुमने अच्छी खुशखबरी सुनाई मुझे, मैं चला जाऊं तुम्हें छोड़ने का? अरे नहीं एक काम कर, तू थोड़ा आराम कर और भाभी का ध्यान रखियो अच्छी तरह से। ठीक है मैं भाभी का ध्यान रखूंगा, और फोन करते रहना। अरे पक्का मैं फोन करूंगा तुझे। पता नहीं आज जॉब मिली होगी कि नहीं मिली होगी, इतना टाइम हो गया अभी तक तो आए नहीं, कहाँ रह गए, ना फोन किया। बहुत सिर में दर्द हो रहा आज। काम मिला ना मिला? अरे स्वाति
सारे में काम ढूंढ लिया, कहीं काम नहीं मिल रहा। जिसके पास भी जाता हूँ हर कोई ये बोल देता है इस डिग्री से क्या होगा। अगर तुम्हें काम नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? अरे कुछ छोटी मोटी जॉब कर लो ना, जरूरी है क्या बड़ा ही काम देखना? अरे तुम पागल हो क्या? मैं अपने हिसाब से तो काम देखूंगा, अब मैं छोटी मोटी कोई ठेली तो लगाने लगूंगा। मैं ठेली लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जॉब करने की बात कर रही हूँ। अगर तुम जॉब नहीं करोगे थोड़े ही रुपए कम से कम मिलेंगे तो सही। अरे मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, जब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी मैं अपने आप चला जाऊंगा ना, बेफालतू की मुझसे मुंह बहस करने की क्या जरूरत है तुम्हारी। जब हम रोड पे आ जाएंगे जब अच्छा लगेगा क्या? अब तुम दिमाग खराब मत करो, चुप रहो, मैं कल जाके देखूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, देखती हूँ इन हालत में कैसे मिलता है तुम्हें काम। अगर छोटी करना चाहते नहीं हो बड़ी मिलने की नहीं। अमित तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं इतनी देर से बैठी हूँ तुम फोन में लग रहे हो। घर का राशन खत्म हो रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम उधार ले लेके खाएंगे? तुम्हें पता है दुकान वाले का इतना उधार हो चुका है, दूध वाले का इतना उधार हो चुका है, पर तुम्हें कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है। अरे तंग आ गई हूँ मैं उधार ले लेके। कहीं तुम लेके आते हो उधार, हम पे बहुत सारा कर्जा हो चुका है। अगर तुम कहीं काम नहीं करोगे तो इनका कर्जा कैसे चुकाएंगे? कल को आके ये हमारे सिर पे चढ़ेंगे। पहले तो एक बात बता, तो चिल्लाने के लिए किसने बोला है? अगर मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ना तो खुद जॉब करते हो ना मुझे करने देते हो। बस अगर मैं जॉब कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं जाते देते मुझे जॉब करने? औरत है ना तो औरत के औकात में रहे। ना खुद कर रहे हो ना मुझे करने देते हो और मेरी औकात गिना रहे हो तुम। मेरी बस की नहीं है उधार लेना, किसी से कर्जा मांगना, इसलिए कह रही हूँ कोई छोटी जॉब कर लो। पर तुम मेरे सुनते कहाँ हो? ऐसा नहीं चलेगा अगर तुम जॉब नहीं करोगे तो। मैंने तुझसे कहा ना मुझसे जीवन मत चला, नहीं तो ते और मारूं कभी सोच रही है। मैं जब मेरी मर्जी होगी ना मैं अपने आप जॉब ढूंढ लूं अच्छी सी, मुझसे जवान चलाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो सच बताऊं ना मैं तुझसे शादी करके ही पछता रहा हूं। ओए क्या कर रही है? सफाई कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? मुझे एक कप चाय दे दे। एक कप चाय दे दो? कहाँ से दे दो एक कप चाय? दूध लेके आए हो क्या? घर में चीनी खत्म हो रही है, चाय पत्ती खत्म हो रही है और तुम्हें जॉब करनी नहीं होती। जीवन चला रही है, अगर आज का तुमसे जीवन चला ली ना जान समोगे जान। जीवन ही तो चला रही हूँ, सामान लाने के लिए कह रही हूँ वो क्यों नहीं लेके आते हो? बस तुम्हें उधार लेके आना होता है। जब मैंने तुझसे कह दी ना मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं अपने आप लेंगे सामान। कब लगेगी नौकरी? यही तो मैं सुनती आ रही हूँ कई दिनों से कि नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। अभी तक तो तुम्हारी कोई नौकरी नहीं लगी है। मैं तुझसे कह रहा हूँ आज के बाद अगर तुमने मुझसे कुछ कह दी ना, और जो मैं तुझसे कह रहा हूँ बस उस बात को याद रखियो। मत पीना मुझे चाय भाई, मैंने पीना चाय भाई। देख मुंबई से आते ही मैं सबसे पहले तेरे घर गया, और जाते ही मैंने देखा वहां ताला लगा हुआ था। लेकिन एक बात बता, वहां ताला लगा हुआ कैसे था? हालात भाई, हालात हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे घर खाली करना पड़ा। वो तो मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा दिया। जॉब भी नहीं लग पा रही थी, जॉब का बहुत ट्राई कर रहा हूँ पर लग ही नहीं रही कहीं भी। तू चिंता मत कर, जॉब लग जाएगी। पर अमित एक बात बता, स्वाति दिखाई नहीं दे रही, स्वाति कहाँ है? स्वाति को भी बुलाता हूँ। स्वाति एक गिलास पानी ले आना राजेश भाई के लिए।
स्वाति, ये तेरे फेस पे चोट के निशान कैसे? वो भैया, एक्चुअली वो मैं सीढ़ी से फिसल गई थी, जब भी मेरे फेस पे चोट लगी। इसे क्या हुआ? पता नहीं भैया, कुछ काम होगा। चल ठीक है, चल ठीक है। कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना। फिर टोक दे तू ना मुझे। मेरी नौकरी ना तेरी वजह से नहीं लग पाती कहीं। मैं कहीं भी जाता हूँ अच्छा काम करने, तू टोक दी थी पहले। तो अब मैं इतना भी नहीं पूछ सकती तुम्हें कि काम लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे कुछ तो काम करो, एक साल होने जा रही है और तुम कुछ जॉब करने को तैयार नहीं हो। मेरा काम ना बस तेरी वजह से ही ना लग पाता है। मैंने तो सब बताई थी ना, और ते बता रहा हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ ना मुझे टोके कर मत, मैं तुझे ना तुझे जान से मार दूँ किसी, समझा रहा हूँ, समझ गई ना? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ना तो ये कहीं जॉब देखते ना मुझे करने देते। अगर इसी तरीके से रहा तो हम बर्बाद हो लेंगे, रोड पे आ लेंगे। और इनका सबसे ज्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर ये बात मैं अपने पापा को बताऊं तो उन्हें भी कितना दुख पहुंचेगा। मैं इस बारे में पापा को भी नहीं बता सकती। हाँ भाई, अब बता क्यों बुला दो ना मुझे यहाँ पे? यार एक प्रॉब्लम है। बता क्या प्रॉब्लम है? छोटी यार एक लड़के से प्यार करती है। छोटी एक लड़के से प्यार करती है? यार वो तो अभी छोटी है, उसे तुमने समझाया नहीं। क्या समझाता यार, लेकिन वो लड़का भी उससे बहुत प्यार करता है। अच्छा फिर क्या हुआ? जब माँ को ये बात पता लगी तो माँ ने उन दोनों की शादी करा दी। माँ ने उन दोनों की शादी करा दी? यार कम से कम तेरी मम्मी पापा को मुझे तो बताना चाहिए था। चल तू तो एक साल से बाहर है, चल एक बात बता, अब दिक्कत क्या है? यार दिक्कत ये है कि जब तो वो पहले छोटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो ना ही छोटी से प्यार करता है, उसको मारता है, पीटता है, उल्टी सीधी गालियां देता है, और तो इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है उसको।
तू ऐसा कर, मुझे लेके चल उसके पास, मार साले को मारूंगा, ऐसा कैसे गाली बक देगा हमारी छोटी को, चल तू मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है ना, बात हमारी छोटी की है, उसका घर बिगड़ेगा फिर माँ बाप को पता लगेगी तो वो बुरा मानेगी। अरे यार एक बात तो बता, पहले तो वो लड़का उससे प्यार करता था, अब उसे मारता क्यों है? अरे तू मुझे लेके चल, तू अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, मुझे लेके चल तू अभी। नहीं नहीं अमित मेरी बात तो सुन। अरे तू मुझे लेके चल उसके पास, मैं बता दूंगा उसे आज। और अमित मेरा दिल तो ये कहता है तू एक बार सोच ले, समझ ले अच्छी तरह से, आखिर हमारी छोटी की इज्जत बेइज्जती का सवाल है यार। अरे मुझे कुछ नहीं सोचना, वो हमारी छोटी को पीट रहा है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो मुझे लेके चलो अभी। चल तो फिर, ऐसी बात है तो चलो। अरे तू चल तो सही। अरे भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो, तो मेरा ही घर आने वाला। अरे तू चलेगा जब भी तो। अरे भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो। अरे तू चल तो सही, मैं तेरे घर नहीं ले जा रहा हूँ, ये मेरा ही तो घर आ गया। कौन सा तेरा घर? चल यार पता नहीं चल पा रहा तुम कहाँ ले जा रहे हो। अरे राजेश भाई कहाँ ले आए यार, तुम तो मेरे घर में ही ले आए। अभी पता चल जाएगा। स्वाति स्वाति शादी से पहले स्वाति मुझे भैया बोलती थी, अब तू बता अपनी जगह लेके देख कि तुझे कैसा लगेगा कि तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा। और तू एक बात बता, ये भी तो किसी की बहन है, ये भी तो किसी की बेटी है, और तू शादी से पहले तो बहुत प्यार करता था इससे, अब क्या हो गया तुझे? भाई तू पहले जैसा बन जा, जैसे तू शादी से पहले इससे प्यार करता था, समझा? और मारा पेटी छोड़ दे। यार तू कह तो ठीक ही रहा, मैं स्वाति के साथ कर तो गलत ही रहा हूँ, कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करे, उसे मारे पीटे तो फिर कैसे लगेगा? पर पता नहीं मैं कब ऐसा हो गया, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, अब मैं ना स्वाति से माफी मांग लूंगा जाके, और उसे हमेशा खुश रखूंगा, मैं कभी नहीं मारूंगा उसे। चल भले देर से ही, कम से कम तो ये समझ तो आई, चल उठ अब जाके माफी मांग उससे। चलो ठीक है राजेश भाई, मैं जाके माफी मांग लेता हूँ स्वाति से। चल तो अभी चल, इसी वक्त माफी मांग। तुम घर चले जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चल ठीक है। अमित मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था, उन्होंने गलती से देख लिया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं बताया था कुछ भी। स्वाति मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं चला शादी के बाद मैं तुम पे हाथ उठाने लग गया, मुझे लगा कि इनका सब कसूरबार तुम ही हो, जो भी हमारे साथ हो रहा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा, मुझे ये लगने लगा था। मुझे हाथ जोड़ के मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। अमित तुम हाथ मत जोड़ो, कोई बात नहीं, अब तो कर लोगे ना जॉब? हाँ स्वाति, अब मुझे चाहे कैसी भी नौकरी मिले, अब मैं नौकरी कर लूंगा। मैं आपको यही तो समझा रही थी कि छोटी सही, और कम से कम हमारे पास पैसे तो आएंगे, आगे से आप भी जॉब करो और मैं भी जॉब करूंगी, और जब तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। ठीक है स्वाति, जैसे तुम चाहती हो मैं ऐसे ही कर लूंगा, और हाँ अब मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा जैसे मैं पहले करता। बस मैं यही चाहती हूँ, ऐसी खुशी खुशी रहो तुम।